प्लस ट्वेल्थ एक्सेस टू पॉइंट टू जीरो टू चार्ज कंडक्टिंग स्पीय ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर इस क्वेश्चन को यहाँ तक देखते हैं मेरे पास अब दो स्फीयर्स हैंविंग डिफरेंट डिफरेंट रेडियस लाइक ऐसे एक का रेडियस हम मान लेते हैं ए है एंड सेकेंड वन का हम मान लेते हैं रेडियस बी है तो उनको कनेक्ट किया गया है थ्रू आ वायर सो so, जिस फीयर का रेडियस ये है उसे मान लेते हैं स्फीयर वन और उसे मान लेते हैं हम स्फीयर नंबर टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये मेरे पास चार्ज स्फीयर्स हैं लेट हम मान लेते हैं कि जो हमारे स्फीयर्स हैं ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज आ गए एंड हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट चार्ज ऑन स्फीयर वन हम क्यू वन मान लेते हैं एंड चार्ज ऑन स्फीयर टू हम क्यू टू मान लेते हैं एंड पोटेंशियल ऑफ वन स्फीयर हम वी वन से डिनोट कर लेते हैं एंड पोटेंशियल ऑफ स्फीयर टू हम वी टू से डिफाइन कर लेते हैं सो लेट सिग्मा वन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वन स्फीयर एंड सिग्मा टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकेंड स्फीयर तो अब यहाँ पे हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि लेट माई वी वन इज़ ग्रेटर देन V2 जो हमारा पोटेंशियल वन है वो पोटेंशियल टू से ग्रेटर है अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कंडीशन तो अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि फर्स्ट पॉइंट में हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बतानी है एट द सर्फेस ऑफ स्फीयर्स है ना लेट स्फीयर वन की यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर टू की सरफेस पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर हम कंसिडर करते हैं है ना एक कंसिडरेशन कि लेट जो ये मेरा टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो लेट प्लस क्यो वन सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है है ना ये हमारी एजम्पशन है इसी तरह हमारे स्फीयर टू में जो मेरा पॉजिटिव क्यू टू चार्ज है हम वो कंसिडर कर लेंगे कि वो अभी सेंटर में मौजूद है सारा का सारा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन लाइक ई वन इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई अब सारा नॉट चार्ज हमारे पास कितना था क्यू वन अपॉन आर स्केयर मतलब आर मतलब रेडिस का स्केयर तो यहाँ पे फर्स्ट फेयर में हमारे पास स्टडीज क्या है ए सो ए स्केयर एंड सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यों टू हम ज्यूम कर लेते हैं वन बाई फोर पाई अपॉन बी स्केयर अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें कंडीशन दी हुई थी कि हमने इन चार्जिस को वायरली कनेक्ट कर दिया आपस में लेट हमने माना था कि पोटेंशियल ऑफ वन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ टू स्फीयर तो ये जब हम इसे वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा कि जब तक पोटेंशियल मतलब V1, V2 ये इक्वल नहीं हो जाते लाइक like, आप कह सकते हैं कि आफ्टर कनेक्शन हमारे पास जो V1 है इज इक्वल टू V2 हो जाएगा लेट से V, हम उसे V से नाम दे लेते हैं सो so, अब पोटेंशियल हमें मालूम है किसके इक्वल होता है पोटेंशियल फॉर वन स्फीयर कितना वन बाई फोर पाई अब नॉट चार्ज ड्यू टू क्यू वन अपॉन आर रेडियस अब रेडियस कितना है ए सो ए सिमिलरली वी टू इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई अब नॉट ऑट क्यू टू अब रेडियस यहाँ पे कितना है बी बी तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा वी लेट वी से नाम दे देते हैं तो आप यहाँ पे यहाँ से ध्यान से देखिए कि वन बाई फोर पाइप सेलान ऑट वन बाई फोर कैंसल आउट हो गया तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची क्यू वन ओवर ए इज इक्वल टू क्यू टू ओवर बी अगर इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ मतलब चार्जिस एक साथ कर लूँ क्यो वन ओवर क्यो टू क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए ओवर बी सो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस रिजल्ट को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देखिए जब आप टू कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट कर लेंगे थ्रू वायर जो मेरी रेशियो ऑफ चार्जिस हैं वो इक्वल हो जाएगी रेशियो ऑफ रेडियाई सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सो अब हम फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइक E1 वन ओवर ई हमें फाइंड करनी है तो E1 की वैल्यू वन बाय फोर पाई अपसेला नॉट क्यो वन अपॉन ए स्केयर होल डिवाइडेड बाय वन बाय फोर पाई अपसेला नॉट क्यू टू अपॉन बी स्केयर तो वन बाय फोर पाई अपसे नॉट वाली टर्म तो सीधी सीधी कैंसिल होगी अब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँ लाइक क्यू वन अपॉन ए स्केयर अब मल्टीप्लाई में कर करूँ इसे तो b मेरे ऊपर आ जाएगा बी स्केयर अपॉन क्यू टू सो अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं लाइक like चार्जिस एक साथ ले आऊं क्यू वन ओवर क्यू टू इन टू अब क्या आ जाएगा बी स्केयर अपॉन ए स्केयर तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दूं क्यू वन ओवर क्यू टू की वैल्यू को सो ई वन अपॉन ई टू अब यहाँ पर यह वैल्यू सब्सटिट्यूट की तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा ए ओवर बी इन टू बी स्केयर अपॉन ए स्केयर तो इस बी से ये स्केयर वाला बी कैंसिल हो जाएगा तो ए से ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा बी ओवर ए तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि माई रेशियो ऑफ ई वन ओवर ई टू कम्स आउट टू बी बी अपॉन ए सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी इक्वल आ गई इनवर्सरी प्रपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव रेडियसिस तो आगे देखते हैं अब सेकंड पार्ट अब उसने हमें पूछ लिया कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का कंडक्टर है ठीक है जिसमें मेरे पास शार्प एचिस हैं ना लाइक दिस वन शार्प एचिस और लाइक दिस वन शार्प एजिस यहाँ पे मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऐसे पोर्शन जो थोड़े से फ्लैटर हैं तो इसे स्टार्ट करते हैं प्रूव करना तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटीज सो सिग्मा वन सिग्मा वन हमें मालूम है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया तो स्फीयर वन पे मेरे पास चार्ज कितना है क्यू वन और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर वी नो डेट फोर पाई आर स्केयर अब आर यहाँ पे कितना ए सो ए स्केयर एंड सिमिलर वे से मेरे पास सिग्मा टू ऑन स्फीयर टू कितना आ गया क्यू टू एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू कितना आ जाएगा फोर पाई बी स्केयर तो अब हम इनकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं क्यू वन ओवर क्यू टू सो क्यो वन अपॉन फोर पाई ए स्केयर डिवाइडेड बाई केव टू फोर पाई बी स्केयर तो अब फोर पाई से फोर पाई कैंसल हो गया तो अब मेरे पास क्या बचा क्यू वन अपॉन ए स्केयर होल ओवर क्यू टू अपॉन बी स्केयर तो इसे भी अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँ डिवाइड को तो मेरे पास क्या बनता है क्यो वन अपॉन ए स्केयर मल्टीप्लाई बी स्केयर अपॉन क्यू टू तो सेम वे से क्यो वन ओवर क्यो टू इन टू बी स्केयर अपॉन ए स्केयर तो सेम यही वैल्यू हम यहाँ पे अब कर देंगे सो सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू कम्स आउट टू बी एवर बी इंटू बी स्केयर अपॉन ए स्केयर तो यहाँ से भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ए से ये मेरा ये कैंसिल हो गया बी से मेरा ये वैल्यू कैंसल होगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू इज इक्वल टू ये आगे आप मेरे पास बी अपॉन ए तो सेम एज रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला था वही हमें अब सरफेस चार्ज डेंसिटीज की रेशियो में मिल रहा है तो ये आंसर तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सर्फेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो तो इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर हैं सो अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे हमारे पास सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ गया तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा सिग्मा वन इन टू ए इज इक्वल टू सिग्मा टू इन टू बी तो अब देखिए सिग्मा वन इन टू ए ये मेरी मल्टीप्लाइटर में और सिग्मा टू बी टू ये भी मेरी मल्टीप्लाइटर में तो ये इक्वल आ रही हैं तो ये मेरे कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रही हैं क्लियर तो ये रिजल्ट हमने यहां से ड्राइव किया कि प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ़ सिर्फ डेंसिटीज टू अनदरसफीर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी तो अब इस रिलेशन को हम यूज करके अपना पॉइंटेड और फ्लैटर एज वाला आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक like, जैसे हम यहाँ से अगेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं ठीक है सो so, लाइक like, ये एक मेरे पास पॉइंटेड एज आ गया लाइक like, है ना देखिए ये मेरे पास अब आ गया एक पॉइंटेड एज तो इसे मान लेते हैं हम एक फ्लैटर सर्फेस और ये एक मेरे पास पॉइंटर एज तो अब देखिए आप यहाँ से देखिए अगर ये टर्म अब मेरे पास लाइक सिग्मा वन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल है ठीक है मतलब क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टू रेडियस मेरा कांस्टेंट है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए लाइक अगर ये मेरी फ्लैटर सर्फेस है यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करूँ ठीक है तो उसका रेडियस हम मान लेते हैं लाइक आर वन आ गया जो फ्लैट ऑफरस का रेडियस है अब अगर जो मेरे पॉइंटेड एज है वहाँ पर मैं रेडियस ड्रा करूँ लाइक like डैट ठीक है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बना लेता हूँ कि ऐसा रेडियस होगा जिसका रेडियस होएगा आर टू ठीक है तो आप देखिए अब ये तो टर्म मेरी कांस्टेंट ही रहनी है प्रोडक्ट तो सिग्मा लाइक अब जो सिग्मा वन है इन आर वन ठीक है तो जहाँ पे आर वन काफ़ी बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू आर टू है ना आर वन काफ़ी बढ़ा गया तो जब आर वन बढ़ गया यहाँ पे इसके लिए तो ये मेरा सिग्मा अपने आप कम हो जाएगा इस फ्लैटर सरफेस के लिए तो इसीलिए लिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये टर्म तो रहनी कॉन्सटेंट ही है ठीक है क्लियर आप इस बात को एक दोबारा समझ लीजिए कि, कि है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा कांस्टेंट ही रहने वाला है ठीक है फ्लैटर सरफेस के लिए मेरा रेडियस बढ़ रहा है तो क्या कम होगा फिर मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे पास कांस्टेंट है इसी तरह पॉइंटेड एच की तरफ आइए तो यहाँ पे मेरे पास कितना है रेडियस आर टू अब यहाँ पे देखिए सिग्मा वन इंटू आर टू अब यहाँ पे रेडियस बहुत छोटा है ठीक है अब अगर रेडियस छोटा हो रहा है तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा सिग्मा मेरा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही हमारे पास कांस्टेंट ही रहने वाला है सो डैट्स वाई अब रेडियस कम हो गया तो वहाँ पे मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाएगी लाइक फ्लैटर हैजिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ी दूर दूर हो जाएगी और पॉइंटेड एज में बहुत पास पास एकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो